अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन इंटरकॉम फॉर एंड्राइड के बारे में। यकीनन आपको प्ले स्टोर में ऐसी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने में मिलती हैं जिनके ज़रिए आप फ्री में कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फ्री में कॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात की जाए तो इस एप्लीकेशन को 1 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है और 4.1 की रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और ओवरऑल इस एप्लीकेशन के कुछ कमेंट्स की बात की जाए तो आपको इस एप्लीकेशन के बारे में भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिलने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये एप्लीकेशन काम किस तरह से करती है। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से देखने में मिलेगी। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इस एप्लीकेशन को अपडेट रखिए ताकि कल में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों में वर्क करती है। दोस्तों याद रखिए, फ्री में कॉल करने के लिए आपके दोनों मोबाइल सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने चाहिए। अगर उस राउटर में वाईफाई कनेक्शन मौजूद ना हो तो ये एप्लीकेशन तब भी काम करेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा वायरलेस नेटवर्क को लेकर। अगर आपके पास कोई वाईफाई राउटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और तमाम मोबाइल उससे कनेक्ट होने के बाद आप इजीली अपने मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट से ही कॉल कर पाएंगे। आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए भी फ्री कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने में मिलेगा। आपको ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए सेंटर में दिए गए कंपास पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए फ्री में कॉल करना चाहते हैं या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए। तो हम यहाँ पर वाईफाई को सेलेक्ट करते हैं। अब मज़ीद आपके पास दो ऑप्शन शो होने वाली हैं। क्या आप अपने वाईफाई राउटर के ज़रिए कनेक्टिविटी बनाना चाहेंगे या फिर अपने मोबाइल के वाईफाई हॉटस्पॉट के ज़रिए। जिनके पास वाईफाई राउटर मौजूद है, बेशक उसमें इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तो आप वाईफाई सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं और इजीली आप उस वाईफाई राउटर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप कॉल करना चाहते हैं। और जिनके पास वाईफाई राउटर मौजूद नहीं है तो वो अगर वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और इजीली तमाम मोबाइल अपने इस वाईफाई हॉटस्पॉट पर कनेक्ट करने के बाद आप कॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी मेरा मोबाइल एक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे पास अभी दूसरा मोबाइल नहीं है कि मैं आपको टेस्ट करके दिखा सकूँ, लेकिन जब आप अपने दोनों मोबाइल सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं या फिर वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको तीन ऑप्शन देखने मिलती हैं, बेल आइकॉन, स्पीकर आइकॉन और आप यहाँ पर एक ब्लैक बटन देख पाएंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वॉइस डिटेक्शन ऑन हो चुकी है और आप दूसरे मोबाइल पर इस वॉइस कॉल को सुनना चाहते हैं तो आप स्पीकर आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो आप इजीली इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से और लाइव सुन पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आज की ये एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए जो बिल्कुल फ्री है, और नीचे कमेंट्स करना भी मत भूलिए कि ये आपको एप्लीकेशन कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर में मौजूद तमाम वाईफाई से रिलेटेड या फिर ट्रेंडिंग एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ खास सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे दोस्तों होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर शो कर दिया जाएगा और आप यकीन कीजिए हमारी कोई भी नई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।